जरूर ग्रहण करें। एक अलग ही अनुभूति होती है खाने में, बिल्कुल अलग अनुभूति है। देखो मैं बिल्कुल ख़त्म भी कर दिया मैंने, और बच्चों ने भी काफ़ी खाया है। देखो बच्चे भी इतने अच्छे से खा रहे हैं उसको, सब बच्चों ने ख़त्म कर दिया पूरा बिल्कुल। और घर पे तो बस हम बोलते रहते हैं आप खाओ खाओ, लेकिन यहाँ बच्चों ने पूरा फिनिश किया है। यहाँ पे पहली बार साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, तो उनका उनके दर्शन किए, सुबह उठ के सर आरती में शामिल हुए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं हुई हमें। हर जगह हवा सब कुछ, मतलब कूलर्स हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी इतनी गर्मी में भी। उसके बाद दर्शन करने के बाद अब ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम यहाँ पर आए, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब सारा मैनेजमेंट देख के कि इतना सारा लोगों को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और हर दिन, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
अरे ये तो फिर हमारे भाग गए और बाबा का आशीर्वाद है कि आज हमें आम का रस मिला है और ये बहुत मीठा है, अलग ही मिठास भरी हुई है इसमें। तो आम का रस तो बहुत ही टेस्टी है और यहाँ पे बहुत व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है और खाना भी, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हम पहली बार यहाँ पे साईं दरबार में आए हैं और हम लोग हाथरस से आए हैं, यूपी में पड़ता है ये। और ये जो भोजन के लिए हमने काफ़ी सुना था और आज जैसा हमने देखा और खाया महसूस किया, बहुत ही उत्तम, मतलब सीधे बाबा का आशीर्वाद है। भोजन में आम रस था और आलू बैंगन की सब्जी और दाल चावल और चने की दाल। मैंने तो ऐसा आम का रस पहली बार ही पिया है, हालांकि लखनऊ में मलियाबाद में आम होते हैं लेकिन ये वाला स्वाद नहीं है।